पहले इसके पोजिशनल टारगेट है 800 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 725 रुपए का। एक डाइवर्सिफाइड हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मेनली बॉयलर्स, फिर शुगर प्लांट्स, पावर प्लांट्स और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स के लिए काम करती है। इनके जॉइंट वेंचर भी है कई कंपनियों के साथ, इटली, जापान, फिनलैंड, यूएसए, कनाडा, इस तरह के कंट्रीज की कई कंपनीज के साथ इनके जेवीज हैं। तो एक बहुत ही दमदार कंपनी है। और इतना ही नहीं, ये कंपनी शुगर और एथेनॉल के कारोबार में भी है। इनकी एक सरस्वती शुगर मिल करके नोएडा में एक शुगर मिल है, तो जिसके अंतर्गत ये शुगर और एथेनॉल के कारोबार में भी है। और कंपनी का जो नाम ISGEC, उसका पूरा नाम इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ही है। बाकी इस तिमाही के नतीजे इसके भी आ गए, इस वीकेंड या फ्राइडे को आए थे, बहुत ही दमदार नतीजे थे। 18 करोड़ का जो पैट था पिछले साल जून क्वार्टर में, उसके सामने 52 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। और हम देख रहे हैं इस तरह की जो इंजीनियरिंग वाली कंपनियां हैं, चूंकि केपेक्स को काफी फोकस में है, केपेक्स पूरा, तो ये सब कंपनियां अच्छा कर रही है। मैंने इस सेगमेंट से AIA इंजीनियरिंग, अनूप इंजीनियरिंग, पिट्टी इंजीनियरिंग, कई सारी कंपनियां कई बार रिकमेंड करी है, इसको भी कई बार रिकमेंड किया। तो इस स्टॉक में अभी भी इस रिजल्ट के बाद कॉन्फिडेंस और आता है, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 800 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 725। चाहे दीपांशु, आप PVR पे बात कर रहे थे।